चांस राणा साहब का कि एज अ टूल जो है वो इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड प्रोबेबली द रीजन व्हाई यू वांट द एक्सटेंशन ऑफ द करंट चेयरमैन इज कि वरना वो जो अकाउंटेबिलिटी जिस किस्म की आप चाहते हैं अपोजिशन की, वो शायद कोई और करने को तैयार ना हो. देखिए, जब साबिक सेनेटर सैफुर रहमान के जमाने में आसिफ जरदारी साहब को नैब ने अरेस्ट किया और एक आईजी थे, आजकल वो भी सेनेटर है, और उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की हिरासत के दौरान जुबान काटने की कोशिश की, जिसका उनका खुद अपना बयान है और पूरी दुनिया के मीडिया पे आया. क्या उस वक्त भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी के साथ जो नैब के जरिए ये लोग करते रहे, खुद ऑन किया ना जी, ये इनका इनकी अपनी स्टेटमेंट है. शुक्र है थोड़ा थोड़ा अब सच बोलना शुरू हो गए हैं. आज जो 583 अरब रुपए की रिकवरी नैब ने किया, ये कहते हैं जी नैब तो सिर्फ बनाई इसलिए गई थी, यही मकसद था, जब तक ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे ये इदारा ठीक था. अब जब इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, इनके जेन में था इन पे बुरा वक्त कभी नहीं आएगा. मकाफात अमल एक बहुत बड़ी हकीकत है. जब आप 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर डाका डालते हैं, आप बड़े बड़े आला उहदों पर फाइज रहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये बिलियन रुपीज के आपके फ्लैट कहां से है लंदन में, आप फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी ये एसेट है, और कोर्ट में आप एक कतरी खत देते हैं. कौम को सारा पता है, दलदल में हम नहीं फंसे, दलदल में वो लोग फंसे हैं जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के इकतदार को अपनी जाती प्रमोशन के लिए, अपने जाती बेनिफिट्स के लिए, जाती फसाई की इंक्रीज के लिए इस्तेमाल किया. ये लफ्ज बड़ा मकबूल है, कानों को बड़ी शीरीनी देता है अपोजिशन की तरफ से वर्ड कि जी न्याजी नैब गठजोड़. अभी जब कैप्टन सफदर के खिलाफ एक रेफरेंस था वो नैब ने खारिज किया, सबूत न होने पे, गवाह न होने पे इनकी स्टेटमेंट्स आई खुशियों की. कल इनके लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक थी, कानून और आइन के मुताबिक थी. ये आज इनको एतराज है. अभी नादर कपूर साहब फरमा रहे थे कि जी बीआरटी पिशावर में डबल कीमत पर जनाब उसको बनाया गया जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, ये इसी पर एक प्रोग्राम कर ले, साबित कर दे इसको. नेशनल बैठकर जब आप पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो सरियन झूठ बोला, देखिए 10-20% झूठ चल जाता है, वो आपकी घुटी पे पड़ा हुआ है, वो आपने बोलना ही बोलना है, चूंकि पूरी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की झूठ से शुरू हुई थी और इसका झूठ पर ही अंजाम होगा. लेकिन इतने बड़े बड़े ब्लंडर ना मारे कि आप जिसको साबित ना कर सके. मैं समझता हूँ अगर जनरल अशफाक परवेज कयानी को एक्सटेंशन मिल सकती थी उस वक्त वो गैर आइनी नहीं था, आज सब कुछ गैर आइनी हो गया. तो इसका मतलब अगर 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 आप कह रहे हैं कि उस वक्त एक्सटेंशन मिल सकती थी तो नैब के चेयरमैन को भी एक्सटेंशन मिल सकती है, राइट? देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेंट, किसी भी शख्स को, हमने तो अपने बड़े बड़े अहम लोगों को, अपने लीडर्स को सिर्फ एक इल्जाम लगने पर कैबिनेट से अलग किया. अब हजारों सैकड़ों मिसालें ना, अपने दूसरे पोर्टफोलियोज दे देते, ऐसे ना कहें, सजा किसी को नहीं मिलती. ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. जहांगीर खान तरीन साहब को कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया जी, कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया उनको हमने? बातें करना बड़ा आसान है, मैं आपको अर्ज कर दूं, बाकी सारे नाम गिनवाए हम, इधर से उठाते उधर करते, इधर से उठाते दूसरी जगह करते. यस यस यस, वहां कोई चीज साबित हुई? कोई चीज साबित हुई? रिंग रोड पिंडी का मंसूबा अभी जो कागजों में था, एक एक उस पे एक इल्जाम आया, एक स्कैम आया, मीडिया इतना बड़ा एक्शन हुआ, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कटहरे में लाके खड़ा किया. ये इमरान खान की जरूरत थी कि अपनी गवर्नमेंट में अपने दोस्तों को भी उन्होंने रियायत नहीं दी.